राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी ने 31 जनवरी तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का समय दिया था, लेकिन आज एक बार फिर उन्होंने साफ कर दिया है कि अब ये नियुक्तियां अगले पखवाड़े तक होगी, यानी कि फरवरी 15 तक ही ये प्रक्रिया हो सकी, क्योंकि जिस तरीके से अब तक नाम नहीं लाए गए हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं उन्हें 8 तारीख तक का समय दिया है कि वो 8 तारीख को तमाम उन नामों को लेकर राजस्थान कांग्रेस में दे दें जिनको राजनीतिक नियुक्तियां जिला स्तर पर देनी है। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी बैठक के बाद में प्रदेश प्रभारी ने एक बात साफ कर दी है कि अब राजस्थान में कैबिनेट का गठन, जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि कैबिनेट का विस्तार होगा और वो बजट सत्र से पहले हो सकता है, उसको लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि राजस्थान में जब तक बजट सत्र चलेगा तब तक किसी तरीके की कैबिनेट में विस्तार या उसमें एक्सपेंशन की कोई बात नहीं होगी। ऐसे में साफ है कि अब कैबिनेट विस्तार की खबरें महज खबरें बनकर रह गई है और जब तक बजट सत्र चलेगा और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जब तक राजस्थान में 4 उपचुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक राजस्थान में कोई कैबिनेट में एक्सपेंशन या फेरबदल नहीं होगा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं और सब लोगों से चर्चा करके अच्छे कार्यकर्ताओं को, अच्छे लीडर्स को उसमें मौका मिले, यही हमारी कोशिश है। और सबसे अभी हम लोगों ने उनको परफॉर्मा दिया है और इन सब लोगों से कहा है कि आगे आने वाले हफ्ते में ये लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जितने भी हमारे राजनीतिक नियुक्तियाँ होनी हैं उन सब के नाम वहाँ के लोकल लीडर्स के साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्कस करके 8-9 तारीख तक के यहाँ पे हमें वापस दे करके आए और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट्स और उनके साथ में जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज जो प्रभार दिए हैं उन सब के सब लोग अपने अपने प्रभार वाले इलाकों में ये डिस्कस करके सब लोगों से चर्चा करके वो सब लेकर के आएंगे ताकि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल की राजनीतिक नियुक्तियाँ हम लोग शुरू कर सकें। इसके अंदर चूँकि बजट सेशन कॉल कर लिया गया है, सेशन के बीच में कोई नियुक्तियां कोई मंत्रिमंडल कभी भी नहीं बनता है, तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी जिस वक्त मैं खबरों में भी और ये आंकलन देख रहा था अलग अलग जगह के ऊपर, तो जब सत्र बुला लिया जाता है और खासतौर पे बजट सेशन जब बजट की तैयारी हो रही होती है तो बजट के दौरान तो कभी भी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार या मंत्रिमंडल नहीं बनता है, क्योंकि जब बजट आ रहा है तो उस दौरान नए मंत्री कैसे आ सकते हैं, फिर प्रश्नों की तैयारी होती है जो मंत्रियों को करना होता है, तो ये सारी की सारी चीजों के हिसाब से कभी भी जो नहीं हुआ वो अभी हम अभी अभी कैसे होगा। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।